तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग जानेंगे कि व्हाट्सअप कैसे चालू करें। और दोस्तों आज की वीडियो में ये भी बताऊंगा आप लोगों को कि आप अपने व्हाट्सअप का बैकअप कैसे ले सकते हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को बार बार स्किप ना करें दोस्तों। अगर वीडियो को बार बार स्किप करेंगे तो पता नहीं चलेगा मैंने क्या बताया है और आप भी व्हाट्सअप अपना चालू नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों आपको आ जाना है अपने व्हाट्सअप में आप जैसे ही आएंगे तो दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार का पेज यहाँ पर दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है नीचे स्वीकार करें और आगे बढ़ें। तो आपको सिंपली स्वीकार और आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आपको डालना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वहाँ यहाँ पर आपको डाल देना। जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालते हैं यहाँ पर अगला वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। आप जैसे ही अगला वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है कि क्या यह नंबर आपका है, तो हाँ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना। आप जैसे ही हाँ वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार का यहाँ पर इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके मोबाइल नंबर पर एक कोड भेजा जा रहा है। कोड भेजे जाने के बाद दोस्तों ये अपने आप ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लेगा। यहाँ पर लिखकर भी आ चुका है कि मोबाइल नंबर वेरीफाई किया जा चुका है और मैसेज भी आ चुका है, तो यानी कि सक्सेसफुली आपका नंबर वेरीफाई हो चुका है ओटीपी आने के बाद। अब यहाँ पर कह रहा है दोस्तों आप इस ऑप्शन को जारी रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। ये कह रहा है कि आप बैकअप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। अगर आप बैकअप लेना चाहते हैं तो जारी रखें पर क्लिक करें, अगर नहीं लेना चाहते हैं तो अभी नहीं वाले पर क्लिक करें। तो दोस्तों मैं यहाँ पर क्लिक करूँ जारी रखें। तो जारी रखें वाले पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अलाउ पर क्लिक कर देना है। फिर से एक बार अलाउ पर क्लिक करना है। अलाउ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का यहाँ पर पेज एक ओपन होकर आ जाएगा। तो दोस्तों सिंपली आपको यहाँ से कह रहा है आप अपने गूगल का बैकअप लेना चाहते हैं, अगर लेना चाहते हैं तो ठीक, अगर नहीं लेना चाहते तो नहीं पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको अपना प्रोफाइल पिक्चर लगा लेना है और दूसरा का आपको यहाँ पर अपना नाम डाल देना है। तो आपका जो भी नाम है यहाँ पर आपको डाल देना है सिंपली। तो मेरा नाम यहाँ पर डाल देता हूँ। नाम डालने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अगला का ऑप्शन दिखाई दे रहा है यानी कि नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो सिंपली आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक दूसरा पेज यहाँ पर ओपन होके आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कि मेरा व्हाट्सअप यहाँ पर बनकर कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।